A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Class. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar, Act 1, Scene 3 for Class 9th and 10th ICSE. तो ये जो सीन है इसकी जो मेन थीम है दैट इज कैसियस प्लान रिगार्डिंग मर्डर ऑफ सीजर और दिस इज रिवील्ड जब वो एक अजीब सी स्ट्रेंज नाइट अकर होती है जहां पर तूफान एंड ऑल इज देयर तो वहां पर वो अपना जो प्लान है वो रिवील करता है तो दिस इज द सीन ऑल अबाउट जिसमें सबसे पहले दिस यू कैन सी कि यहाँ पर वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपेंड इन दैट नाइट ड्यूरिंग दैट नाइट एक आउल जो दिन के समय पे जग रहा है एक लॉयन जो कैपिटल के इर्द गिर्द गुजर रहा है मतलब दिस द गवर्नमेंट एरिया जहां पर इट्स नॉट यूजुअली सीन एंड अ पर्सन इज देयर दैट इज हैविंग हिज हैंड बर्न बट उसको वो फील नहीं हो रहा है तो ये अजीब सी चीजें उसको दिखती हैं तो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट मतलब ही इज कास्का एंड ही इज टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो वी आर हैविंग हियर थ्री मेजर फोर कैरेक्टर्स इन दिस सीन तो पहले हम लोग उसकी समरी पढ़ेंगे उसके बाद वी विल हैव द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले दिया हुआ है कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें सिसरो कास्का केशियस एंड सिना तो दीज आर ऑल कॉन्स्पिरेटर्स मतलब घूम फिर करके ये सब कॉन्स्पिरेटर्स ही हैं केशियस हैविंग द मेन रोल इन दिस उसके बाद सीन की समरी स्टॉर्म आंधी तूफान के बीच में कास्का और सिसरो जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो दे रिमेन अपॉन द स्ट्रेंज मीन्स दे रिमार्क अपॉन द स्ट्रेंज ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल अकरेंसेस कास्का है सीन लेटली कास्का ने जो ये सारी चीजें देखी है सुपर नेचुरल उसके बारे में वो बात करता है सिसरो लीव सिसरो बात करके उसके बाद सिसरो वहां से चला जाता है एंड कास्का मीट्स केशियस हु इज फायर्ड अप अबाउट द थ्रेट सीजर राइज पोजेस तो कह रहा है कास्का उस टाइम पर सीजर से मिलता है एंड जो उस टाइम पर केशियस जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ है हु इज अपसेट हु इज जेलस और समथिंग जो ड्यू टू द राइज जो सीजर पजेस कर रहा है और उसको ये पता है कि हो सकता है कि उसको जल्दी किंग भी बना दिया जाए तो कास्का कहता है कि केशियस को कि कुछ ग्रुप ऑफ सीनेटर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं कि वो सीजर को किंग बना देंगे नेक्स्ट डे और केशियस वो करता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा इंस्टेड ऑफ बींग अ स्लेव और सब्जेक्ट टू सीजर वो कास्का को ये भी बताता है दैट ही इज ऑलरेडी रिक्रूटेड ये भी बताता है कि उसने कुछ लोगों को रिक्रूट किया है हायर किया है मतलब कुछ नोबल पीपल हैं जो उसके पास में है जिनसे वो ये काम करवाएगा क्या काम करवाएगा ऑफ मर्डरिंग सीजर सिना हु इज इन ऑन दिस एंटरप्राइज अप्रोचेस सिना हु इज अनदर कॉन्स्पिरेटर वो भी आता है ही एक्सप्रेसेस हिज होप कि केशियस कैन विन ब्रूटस सो उसके बाद आफ्टर दिस ही एक्सप्रेसेस कि वो ये बोलता है कि ब्रूटस को भी हम लोग की तरफ कर लो Cassius hatches a plan and he gives Cinna kuch letters usko deta hai Cinna ko advocating for their cause to distribute where Brutus will find them aur usko batata hai ki is reason se usko distribute kar dena Brutus ko ye wale letters jisme usne pichle scene mein bataya tha ki hum Brutus ko kuch letters likhenge different different handwritings mein aise jaise ki wo kisi Roman dwara diye gaye hain bahut sare Roman dwara jo ye batayenge ki kaise Caesar ke under उनकी हालत खराब है और ब्रूटस शुड बी देयर लीडर तो इसी से रिलेटेड ब्रूटस के घर पे वो लेटर्स या कहीं पर भी जहां पर ब्रूटस को वो मिल जाए वो दिए जाएंगे उसको डिफरेंट हैंडराइटिंग्स में जो देगा केशियस ही देन ही विल गैदर विद अदर कॉन्स्पिरेटर्स एट पॉम्पेस पोस्ट तो ये एक थिएटर है जहां पर ये लोग साथ में गैदर होंगे सिना जब चला जाता है तो केशियस और कास्का डिसाइड करते हैं कि वो ब्रूटस के घर पे जाएंगे जहां पर ही विल ट्राई टू कन्विंस ब्रूटस कि सो दैट वो लोग इसके साथ हाथ मिला ले इनकी इस कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र ओके तो नाउ वी विल बिगिन विद द सीन दिस सीन विल हैव टू पार्ट्स जिसमें क्योंकि दिस इज अ बिगर सीन तो हम लोग इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वी स्टार्ट विद सिसरो He says, "Good evening, Casca. Brought you Caesar home. तुम सीजर को घर लेकर के आ गए. Why are you so breathless? सिसरो पूछता है कास्का से कि तुम इतने breathless क्यों हो? And तुम why stare you so? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कास्का कहता है, Are you not moved when all the sway of earth shakes like a thing unfirm? तो तुम क्या तुम
आर यू नॉट मूव्ड, आर यू नॉट वंडरिंग, और तुम्हें ये चीज शॉकिंग नहीं लग रही कि अर्थ की इतनी सारी जो चीजें हैं वो मूव कर रही हैं, इट इज शेकिंग एज इफ कि बहुत अनफर्म चीजें हो, बी इट द स्टॉर्म दैट केम दैट नाइट, या फिर कुछ स्ट्रेंज सी चीजें जो कास्का ने देखी हैं। वो कहता है, कास्का कहता है, ओ सिसरो, आई हैव सीन सम टेम्पेस्ट व्हेन द स्कॉल्डिंग विंड्स हैव स्प्लिट द नॉटी ओट्स। तो कह रहा है कि मैंने कुछ विंड्स को, मैंने रात में आंधी तूफान देखा जिसके कारण जो विंड थी वो इतनी ज्यादा तेज धार वाली थी कि उसने ओक ट्रीज जो होते हैं उनको ऐसे करके कट कर दिया। आई हैव सीन द एम्बिशियस ओशन स्वेल, मैंने देखा कि जो ओशंस है वो बहुत ज्यादा ऊंच ऐसे करके स्वेल हो रहे हैं, जैसे सुनामी आता है ऐसे करके ओशन स्वेल हो रहे हैं। दे आर इन रेज, दे आर एंग्री, उनमें फोम है, एंड दैट इज टू बी एग्जॉल्टेड विद द थ्रेटनिंग क्लाउड्स, एंड दे आर राइजिंग एज हाई एज दे वॉन्ट टू मूव टू द राइजिंग क्लाउड्स, इतना ऊंचे वो जाना चाहते हैं। पर नेवर टिल नाउ, अभी तक, आज तक मैंने कभी इस टाइम तक डिड आई ग्रो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर, बाकी चीजें तो चलो ठीक है फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट मैंने आज तक कभी कोई टेम्पेस्ट नहीं देखा जिससे फायर ड्रॉप हो रही हो, यू कैन से लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग जो बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है। तो कह रहे कि ऐसा मैंने कोई नहीं देखा है, या तो कोई सिविल स्ट्राइफ है जो हेवन में चल रही है, और द वर्ल्ड टू सॉसी विद द गॉड्स इन सेंसेस देम टू सेंड डिस्ट्रक्शन, एंड वो क्या कह रहे हैं, या फिर जो वर्ल्ड है इट इज जस्ट बिकॉज कि इट इज टू डिसरेक्टफुल डिसरेक्ट डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स गॉड्स एंगर्स देम, जिसके कारण वो डिस्ट्रक्शन भेज रहे हैं। मतलब या तो हेवन में कोई सिविल वॉर चल रही है, दो रीजन वो दे रहा है, या तो वो कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये गॉड से इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, उनके मर्जी के खिलाफ जा रहा है कि गॉड को उसने गुस्सा दिला दिया और भगवान हम लोग को डिस्ट्रक्शन भेज रहा है, आंधी तूफान लेकर के आना वो कर रहा है। सिसरो, व्हाई यू से एनी थिंग मोर वंडरफुल, व्हाई यू सॉ, क्या तुमने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीजें देखी थी। तो अब यहीं पर ही वो जो है वो तीन ऐसी चीजें, थ्री थ्री फोर ऐसी चीजें बताता है। वो कहता है कि मैंने एक कॉमन स्लेव को देखा, यू नो हिम वेल बाय साइट, तुम उसको देख करके पहचानते होगे। ही हेल्ड अप हिज हैंड, जिस जो हाथ उसका जल रहा था ऐसे करके वो हाथ उठाया होता है, दैट वॉज विच डिड फ्लेम एंड बर्न, और ऐसे इतनी रोशनी से वो जल रहा था, मतलब इतना ज्यादा उसके हाथ पे आग लगी थी, एज इफ कि 20 टॉर्चेस जो है, अब टॉर्च का जमाना नहीं है, अभी फोन वाली टॉर्च केबल चलती है, बट वैसे जैसे नॉर्मल टॉर्चेस होती थी पहले, दैट आर लेसर यूज्ड नाउ, उसके जैसे 20 टॉर्चेस के जैसे वो जल रहा है, टुगेदर जल रहा हो। ओके, एंड येट हिज हैंड नॉट फीलिंग, और तब भी ऐसा लग रहा था कि उसका जो बाकी हाथ है वो फायर को फील नहीं कर पा रहा हो, वो अनबर्न हो, बाकी हाथ नहीं जल रहा, सिर्फ इतने हिस्से में उसके फायर लगी हुई थी। बिसाइड दिस, मैंने आई हैव नॉट सिंस पुट अप माई सॉर्ड, और उसके बाद मैंने जो अब मेरी सॉर्ड है उसको वापस मैंने शीथ में, मयान में डाला ही नहीं है, जब मैंने देखा दैट अगेंस्ट द कैपिटल, नियर दैट कैपिटल एरिया, मतलब जहां पर वो बिल्डिंग है, जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सब कुछ होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इन ऑल आर मेड, तो वहां पर आई सॉ दैट देयर आई मेट अ लॉयन, मैंने एक लॉयन देखा, हु ग्लेयर्ड अपॉन मी एंड वेंट सर्ली, ही वॉज अनफ्रेंडली, ही वॉज रूड, बट स्टिल ही वेंट बाय विदाउट अनोइंग मी, मुझे जस्ट बिकॉज की वहां पर मैंने, मतलब इट्स नॉट नेचुरल कि वहां पर कोई लॉयन चला आ रहा है, इवन दो ही वाज अनफ्रेंडली बट स्टिल वो मुझे बिना परेशान किए वहां से चला गया। देन उसने देखा दैट देयर वर ड्रॉन अपॉन अ हीप कुछ 100 घासली, वेरी फियरफुल, टेरिफाइड वुमेन, जो दे वर ट्रांसफॉर्म्ड विद देयर फियर, मतलब एक तो वो देखने में बहुत बुरी लग रही थी, दे वर लुकिंग टेरिबल, एंड उसके बाद दे वर ट्रांसफॉर्म्ड जस्ट बिकॉज, एंड दे वर इवन अफ्रेड हु सोर, उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने देखा है कुछ मेन को जो आग में जल रहे हैं, देवर वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, जो इधर उधर आग में पूरा जल रहे हैं और इधर उधर मूव कर रहे हैं। विमेन ने बोला कि उन्होंने ऐसे मेन देखे हैं, और ये कास्का बता रहे हैं। एंड येस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट, जो रात में बर्ड होती है, दैट इज आउल, डिड सिट, नून डे में वो
बैठी हुई थी, बैठा हुआ था. अपॉन द मार्केट प्लेस हूटिंग एंड श्रीकिंग एंड इट वॉज मेकिंग नॉइसेस, जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था वो आउल. वेन दीज प्रोडिजीज, दीज स्ट्रेंज इवेंट जो हो रही है, ये एक साथ हो रही है, तो उस समय पर डू नॉट, नो मैन शुड से कि ये दीज आर देयर रीजंस, कि ये रीजंस हैं और ये बहुत नेचुरल सी चीजें हैं. तो कोई इंसान ये ना बोले कि ये नॉर्मल होता है और ये रीजन देकर के ये ना बोले कि ये नेचुरल सी चीजें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर पोर्टेंशियस, दीज आर वार्निंग ऑन टू द क्लाइमेट दैट दे पॉइंट अपॉन, दे आर द वार्निंग्स ऑफ द थिंग्स दैट आर करेंटली गोइंग अपॉन, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी चीज का सिग्नल दिया जा रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड माइट हैपन. तो सिसरो कहता है इनडीड इट इज अ स्ट्रेंज डिस्पोज्ड टाइम, एंड ऑब्वियसली कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज टाइम है, बट मेन मस्ट मेक कॉन्स्टिट्यूट थिंग्स आफ्टर देयर फैशन, और लोग चाहे जितना भी, मतलब नो डाउट कि दीज आर स्ट्रेंज थिंग्स, दीज आर स्ट्रेंज टाइम्स, पर लोग जैसे भी उसको इंटरप्रेट करते हैं दे कैन डू इट. एंड समटाइम्स व्हाट दे डू इज कि जो उसका एक्चुअल पर्पस है वो उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं. फिर वो पूछता है कि क्या सीजर कल कैपिटल आएगा, तो कास्का कहता है ही डज, ही फॉर ही डिड बिड एंटोनियस सेंड वर्ड टू यू He would be there tomorrow. तो कास्का कहता है कि हाँ वो आएगा कल कैपिटल में, उसने एंटोनियो को बोला, एंटोनियस को बोला कि तुमको बता दे कि वो कल कैपिटल में आएगा. तो सिसरो कहता है ठीक है, ओके, गुड नाइट कास्का. दिस डिस्टर्ब्ड स्काई इज नॉट टू वॉक इन, दिस एंग्री वेदर इजंट समथिंग टू वॉक अराउंड, कि ये जो है ये रात ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसमें जाओ, यहाँ पर घूमो फिरो और बात करो. ओके, तो दिस इज नॉट सच अ प्लेस. तो उसके बाद वहां पर वहां से सिसरो चला जाता है. देन कास्का सेज फेयरवेल सिसरो, एग्जिट सिसरो, सिसरो वहां से चला जाता है. देन देयर कम्स केशियस. तो केशियस वहां पूछता है हु इज देयर, केशियस पूछते हैं कौन है वहां पर. कास्का कहते हैं अ रोमन इज देयर. केशियस कहते हैं, केशियस कहते हैं ओके आई अंडरस्टूड बाय योर वॉइस दैट यू आर कास्का. कास्का कहता है यू ईयर इज गुड, माय कान काफी अच्छे हैं. केशियस व्हाट नाइट इज दिस, ये कैसी रात है, मतलब कितनी खराब सी रात है. तो केशियस कहता है कि ये बहुत प्लीजिंग नाइट है, जो भी ऑनेस्ट लोग होते हैं उनके लिए दिस इज वेरी प्लीजिंग नाइट. कास्का सेज हूएवर न्यू द हेवेंस मिनेज सो, तो हूज एवर सीन की हेवन जो है इतने ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जैसे कि ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई इतना आंधी तूफान आ रहा है. तो केशियस कहता है, इसमें केशियस कहता है दैट दोज दैट हैव नोन द अर्थ सो फुल ऑफ फॉल्ट्स, वो लोग ही सिर्फ जानते हैं कि अर्थ कैन बी दैट मच थ्रेटनिंग, जिनको ये पता है कि अर्थ भी फुल ऑफ फॉल्ट्स है. आप हमेशा बाहर नहीं देखोगे, कभी आप ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी मेजर सीजन आप देखोगे. फॉर माई पार्ट, मेरे अकॉर्डिंग आई वॉक अबाउट द स्ट्रीट सबमिटिंग मी ऑन टू पेरिलस नाइट. मैंने, अगर आप मेरी बात की जाए तो मैंने खुद जब मैं स्ट्रीट्स पर वॉक कर रहा था अभी, तो आई सबमिटेड माई सेल्फ, मीन्स आई वॉज एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू द पेरिलस नाइट. ये जो इतनी ज्यादा डिजास्टर भरी नाइट है, डिजास्ट्रस यू कैन से, उसमें आई वॉज मूविंग एक्सपोजिंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं था कि हम कहीं छुप के अंदर बैठे. एंड दस अनब्रेज्ड कास्का एज यू सी, और जैसे मैंने खुद को अनबटन किया हुआ, आई हैव नॉट बटन्ड माई जैकेट, मैंने उसको ओपन करके रखा हुआ है. कास्का जैसे तुम देख सकते हो, have bared my bosom to the thunderstone and I was moving bare, opening the jacket, direct body को मेरे ये जो thunderstorms lightning है ये मेरे chest को hit कर रही थी to this thunderstone, thunderstone these thunderbolts जो यहाँ पर ऐसे देखते हैं आंधी तूफान बिजली कड़कना इन सारी चीजों में I had unbuttoned my jacket और मैं ऐसे ही मूव कर रहा था वहां पर. एंड when the cross blue lightning seemed to open the breast of heaven, और जब
मैंने ये देखा दैट ये जो लाइटनिंग है इट वॉज ओपनिंग द ब्रेस्ट ऑफ हेवन ना, कि ये पूरे हेवन को ये कट कर रही है. तो उस टाइम पर आई डिड प्रेजेंट माई सेल्फ, तो उस टाइम पर आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ इवन इन द एम एंड वेरी फ्लैश ऑफ इट, एंड आई पुट माई सेल्फ राइट देयर जहां पर इट वॉज हिटिंग द हेवन्स या और द स्काई. तो मुझे पता अगर बिजली कड़केगी तो यहीं पर ही आकर के गिरेगी, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर इट सेल्फ. तो कास्ता उस पर पूछता है दैट बट वेयर फॉर डिड यू सो मच टेम्प्ट द हेवेंस, सो व्हाई वर यू सो मच बीन टेम्प्टिंग द हेवेंस, क्यों तुम इतना हेवेंस को उकसा रहे थे या इतना खुद अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ. इट इज अ पार्ट ऑफ मेन टू फियर एंड ट्रेम्पल, ये इंसान की नेचुरल प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है कि वो डरेगा ही अगर आंधी तूफान और कुछ भी आएगा. When most the mighty gods, when the most mighty gods by signals such dreadful messengers do astonish us, कि जब माइटी गॉड्स जो हैं वो हमें ऐसे सिग्नल्स ऐसे साइन भेजते हैं जिससे मतलब ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, सो दैट वी आर एस्टोनिश, उस टाइम पर तुम ऐसे करके क्यों एकदम स्ट्रांगली मूव कर रहे थे. तो केशियस कहता है यू आर डल, तुम बहुत फुलिश हो कास्का, दोज स्पार्क्स ऑफ लाइफ दैट शुड बी इन अ रोमन यू डू वॉन्ट, तो वो जो स्पिरिट ऑफ लाइवलीनेस होती है टू डू एनीथिंग एडवेंचरस एक्साइटिंग वो तुम्हारे अंदर या तो है नहीं, या तो वो स्पिरिट ऑफ लाइवलीनेस तुम्हारे अंदर है नहीं, यू लैक दैट और तुम उसको यूज नहीं करते हो. पेल पीले पड़े हुए शांत एकदम लगते हो. यू गेज एंड पुट ऑन फियर एंड यू लुक इन टू थिंग्स, यू पुट ऑन फियर, फेस अपने फेस पे फियर रखते हो. कास्ट योर सेल्फ इन वंडर, हमेशा हैरान हैरान घूमते हो. टू सी दीज द स्ट्रेंज इम्पेशेंस ऑफ द हेवेंस, यू लुक मीन्स टू वेन एवर यू सी दीज इम्पेशेंट थिंग इन द हेवन, तो यू बिहेव लाइक थिंग दिस, यू आर वंडरिंग कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है. बट इफ यू वुड कंसिडर द ट्रू कॉज वाई ऑल दीज फायर्स, तो कह रहा है केशियस कहते हैं कि पर अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वाई ऑल दीज ग्लाइडिंग घोस्ट बर्ड्स बीस्ट, कि मतलब ये जितने भी हैं, जितने भी ये फ्लोटिंग घोस्ट हैं, अगर हवा में कोई घोस्ट उड़ रहा है विक्रम बेताल जैसा, ये जितने भी बर्ड्स हैं, ये जितने भी बीस्ट हैं, एनिमल्स हैं, जो अपनी नेचुरल क्वालिटी से अपने नेचुरल बिहेवियर से जो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, क्यों ओल्ड मेन फूल्स और चिल्ड्रन प्रोफेसीज बना रहे हैं, क्यों ओल्ड मेन चिल्ड्रन और जो बेवकूफ लोग हैं वो भी इवन प्रोफेसीज बना रहे हैं कि जितनी भी थिंग्स हैं चेंज फ्रॉम देयर नेचुरल ऑर्डिनरी थिंग्स जो उनका नेचर परफॉर्म करता है, एंड दे आर परफॉर्मिंग faculties to monstrous quality and they are performing, they are doing things that are different from their own qualities and they are doing something strange, something evil, something wrong. Why you shall find that heaven hath infused them with these spirits to make them instruments of fear and warning onto some monstrous state. तो वो कह रहा है कि अगर question तुम इस चीज के question पर आओ कि why such things are happening और क्यों नेचर ने हेवेंस ने कुछ एविल स्पिरिट्स इन सब के अंदर डाल दी हैं, सो दैट वो हम लोग के मन में डर पैदा करें और एक वार्निंग दे कि जो रोम है वो किस बुरे गवर्नमेंट में चला जा रहा है, कुछ किस एविल नेचर में, किस एविल स्टेट में या गवर्नमेंट में वो चला जा रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ सीजर. नाउ कुड आई कास्का नेम टू दी अ मैन, अब I can tell you the name of a man who most like, जो ऐसे ही dreadful night के जैसे जिसमें thunders, lightnings, open graves और roars हैं, as dog the lion in the capital. Okay, मतलब he is also the same that thunders, shoots, lightning, opens up graves and roars like the lion in the capital. जो ऐसे करके roar करता है. He is a man. जो हम लोग से ज्यादा माइटियर नहीं है, पावरफुल नहीं है देन यू दाई सेल्फ एंड मी इन पर्सनल एक्शन, पर्सनल एक्शन में, ताकत में,
Still he is prodigious, still he is threateningly growing, fearfully growing, frighteningly growing in terms of popularity, and fearful as these strange eruptions are, and he is growing tremendous and frightening जितना कि ये जो आज की रात है shocking सी, as these strange eruptions are उतना ही वो भी grow कर रहा है. तो he is talking about Caesar. Okay, तो I'm leaving it till here only क्योंकि ये बहुत ही बड़ा scene है. We'll doing it into the next part. I hope you all have understood this much. Please do like, share and subscribe to my channel if you have liked the video, and do share it with your friends also. Thank you.